दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वो अलर्ट न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं 17 अगस्त की खास और बड़ी खबरों की, साथ ही जानेंगे आज का मौसम पूर्वानुमान और क्या है आज की खास खबरें जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले वो बेल आइकन दबाए जिससे आपको ऐसी अपडेट वो अलर्ट न्यूज मिलते रहे। फिर अपडेट न्यूज आ रही है आपके लिए मौसम विभाग से, स्काई मेट वेदर से, संपूर्ण भारत का 17 अगस्त 2018 का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले जानते हैं देश भर में कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों पूरे देश में अभी दक्षिण छत्तीसगढ़ और इससे सटे ओडिशा पर एक डिप्रेशन देखा जा सकता है। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर पश्चिम राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक, मध्य प्रदेश, डिप्रेशन और ओडिशा होते हुए फैल रही है। दक्षिण महाराष्ट्र तट से तटीय केरल तक एक कमजोर ट्रफ रेखा फैली हुई है। पूरी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और उत्तरी पंजाब पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र चिन्हित किया जा गया है। अब जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्से, दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश देखी गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, केंद्रीय उत्तर प्रदेश और गंगे पश्चिम बंगाल में एक या दो स्थानों पर भारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तटीय तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश का मौसम। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। देश के शेष हिस्सों में हल्की बारिश की उम्मीद है और जिन स्थानों की रिपोर्ट नहीं है वहाँ जैसा मौसम अभी चल रहा है वैसा ही मौसम वहाँ रहेगा। अगली अपडेट है छत्तीसगढ़ में बारिश से रेल यातायात प्रभावित, कई जगह पटरियां बही, कई ट्रेनें रद्द। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीते 72 घंटों में रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां बारिश का सबसे बुरा प्रभाव रेल यातायात पर पड़ा है। बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई गाड़ियां तो रद्द कर दी गई है या फिर उन्हें मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक करीब आधा दर्जन गाड़ियां बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन में हेल्प बूथ बनाया गया है जहां ट्रेनों से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने के कारण गुरुवार सुबह 6 बजे के लगभग ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़, टीटागढ़ जंक्शन के लांजीगढ़ रोड एवं नोरिया रोड स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी होने के कारण अनेक गाड़ियां प्रभावित हो रही है और कई ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया गया है। यदि आप भी छत्तीसगढ़ में हैं और ट्रेन से यात्रा करते हैं तो एक बार वहां की जानकारी लें, इसके बाद ही यात्रा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली अपडेट है SBI से। SBI कार्ड धारक ध्यान दें, 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड, जानिए क्यों। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के डेबिट कार्ड होल्डर्स से पुराने मैजेस्टिक कार्ड को EMV चिप कार्ड बदलवाने को कहा है। SBI ने ऐसा सुरक्षा सुनिश्चित करने के चलते किया है। बैंक के मुताबिक ग्राहकों को इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2018 से पहले अपना कार्ड EMV कार्ड में बदलना होगा। SBI के मुताबिक ये कार्ड बिना किसी चार्ज के जारी किया जाएगा, साथ ही ग्राहकों की ओर से किसी तरह के सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। SBI ने यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। इसके मुताबिक 28 फरवरी 2017 को जो मैग्नेटिक कार्ड अब तक ब्लॉक किए गए थे वह अभी भी ब्लॉक ही रहेंगे। इस फैसले से प्रभावित लोगों के लिए बैंक ने नए EMV कार्ड के आवेदनों के लिए सलाह दी है। ग्राहकों को मैजेस्टिक कार्ड को EMV कार्ड बदलवाने के लिए होम ब्रांच पर जाना होगा। यहां फिर से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कार्ड बदलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके ई सर्विसेज टैब में ATM कार्ड सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वे दिशा निर्देश अनुसार प्रक्रिया पूरी करें और इससे जो है आपको 31 दिसंबर तक पहले आपको कार्ड बदलवाना होगा, नहीं तो आपके जो कार्ड है अभी डेबिट कार्ड है वह बंद हो सकते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने होम ब्रांच में जाएं SBI की और यह उनको जानकारी दें और आवेदन दें और दूसरा कार्ड लें। अगली अपडेट है आपके लिए जी न्यूज़ से। आज फिर सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी का भी बुरा हाल। दोस्तों औद्योगिक इकाइयों में सिक्का निर्माताओं का उठाव घटने से चांदी 715 रुपये गिरकर 38,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। कमजोर वैश्विक रुख के बीच घरेलू आभूषण कारोबारियों की मांग ने से गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 290 रुपये गिरकर 30,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। औद्योगिक इकाइयां एवं सिक्का निर्माताओं का उठाने और घटने से चांदी 715 रुपये गिरकर 38,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। कारोबारियों ने कहा है कि डॉलर में मजबूती से वैश्विक स्तर पर कीमत धातु में गिरावट आ रही है और सोना गिरकर 19 महीने के निम्न स्तर पर आ गया है।
गिन्नी में भी गिरावट दोस्तों। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना बुधवार को 1.59% गिरकर 1174.17 डॉलर प्रति औंस और चांदी 4.16% गिरकर 14.41 डॉलर प्रति औंस रह गया है। इसके अलावा स्थानीय आभूषण कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं की कमजोर मांग से भी सोने के भाव में गिरावट रही है। राजधानी में 99.9% और 99.5% शुद्धता वाला सोना क्रमशः 290 रुपये गिरकर 30,340 रुपये और 30,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। 8 ग्राम गिन्नी भी 100 रुपये टूटकर 24,500 रुपये प्रति इकाई रह गई है। वहीं चांदी हाजिरी 715 रुपये गिरकर 38,000 रुपये प्रति किलोग्राम और साप्ताहिक डिलीवरी 1,035 रुपये गिरकर 36,705 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही है। इस दौरान चांदी सिक्का लिवाल और बिकवाल भी 1,000 से 1,000 रुपये गिरकर 72,000 रुपये और 73,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर रहा है। इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमत में 30 रुपये की गिरावट आई थी। कीमत 30,630 रुपये हो गई थी। यह था लेटेस्ट अपडेट आपके लिए। गोल्ड रेट, आप यदि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार फिर से गोल्ड की जानकारी, रेट की जानकारी लेंगे आपके क्षेत्र में। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे। दोस्तों भारत रत्न और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे 93 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाजपेयी का गुरुवार की शाम 5:05 बजे निधन हो गया था। उनके निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पंजाब के सरकारी स्कूलों के कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। साथ ही वाजपेयी का पार्थिव शरीर कृष्ण मेनन मार्ग स्थित उनके आवास पर रात भर रखा गया। सुबह 9 बजे उनका पार्थिव देह भाजपा मुख्यालय ले जाया जाएगा। दोपहर 1 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी जो राजघाट तक जाएगी, जहां महात्मा गांधी की स्मृति स्थल के समीप उनकी अंतिम संस्कार यात्रा की जाएगी। अगली अपडेट है, केरल में बिगड़ते हालात, मरने वालों की संख्या 90 के पार। केरल में बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 90 से अधिक हो गई है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य की संस्थाओं के साथ साथ आर्मी, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ट्वीट किया है कि 23 हेलीकॉप्टर के साथ 200 और नावें बचाव कार्य के लिए उतारी जाएंगी। अगली अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के लिए डिटेल मांगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों का प्रतिशत में सटीक आंकड़ा मांगा है। इस आंकड़े के विवादास्पद होने की आशंका के कारण कोर्ट ने एनआरसी के संयोजक से इसे एक सील बंद लिफाफे में देने को कहा है। एनआरसी में असम में रहने वाले 40,00,000 लोगों को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआरसी ये भी बताए कि किस जिले के कितने लोग इसमें रखे गए हैं। कोर्ट ने इनकी नागरिकता की पुष्टि की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। ये बेंच ने कहा है कि फॉर्म जमा करने का काम पहले से निर्धारित 30 अगस्त से 28 सितंबर तक जारी रहेगा। अगली अपडेट है, अमेरिका अखबारों ने एक साथ किया ट्रंप का विरोध। अमेरिका में कम से कम 350 समाचार संस्थाओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया पर हमले का सामना करने और स्वतंत्रता मीडिया के पक्ष में एक अभियान शुरू किया है। मार्थज, बिनियार टाइम्स, डलास मॉर्निंग न्यूज, याक्टन काउंटी ऑब्जर्वर, बेंगलोर डेली न्यूज समेत कई सैकड़ों अमेरिकी समाचार पत्रों ने गुरुवार को देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के संयुक्त प्रयास में अपने अपने अखबारों में खाली जगह छोड़े हैं। यह कदम मीडिया के खिलाफ राष्ट्रपति के डर्टी वार की राष्ट्रव्यापी निंदा के लिए बॉस्टन ग्लोब ने शुरू किया था, जिसमें हैशटैग एनी मी आफनन का प्रयोग किया गया। अखबार ने अपने संपादकीय में ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वो प्रेस की आजादी पर लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका की महान सच बोलने के लिए प्रेस की आजादी की भूमिका है। अमेरिकी होने के नाते प्रेस पर लोगों का दुश्मन होने का ठप्पा लगाना खतरनाक है। ट्रंप पत्रकारों और अखबारों की बराबरी आलोचना करते रहते हैं, वह उनको कई बार फेक न्यूज कह चुके हैं। अगली अपडेट है, भारत में फेसबुक पर होगा स्पेनिश फुटबॉल लीग मैचों का लाइव प्रसारण। शुक्रवार से स्पेनिश लीग ऐसी पहली यूरोपीय फुटबॉल लीग बन जाएगी जिसका प्रसारण विशेष रूप से भारत में फेसबुक पर लाइव किया जाएगा। स्पेनिश लीग का प्रसारण भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में फेसबुक पर मुफ्त मिलेगा। इसकी शुरुआत 17 अगस्त से शुरू होगी। ग्लोबल लाइव स्पोर्ट्स कार्यक्रम में फेसबुक के प्रमुख पीटर हुटोन ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों यह थी आपके लिए आज की तमाम बड़ी व लेटेस्ट न्यूज़। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट व लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त होते रहे। वीडियो को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक पर और सोशल साइट्स पर अवश्य शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके 17 अगस्त की तमाम बड़ी खबरों को और अपडेट रहे, अलर्ट रहे देश के होने वाली घटनाओं से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। अब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।